हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी चैनल आई एम पूनम दुआ विद मी टुडे यू आर गोइंग टू कवर चैप्टर सेवन बहुत ही बड़ा है तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट वन द री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश ट्वेल्व टू फिफ्टीन पीरियड आई होप आप सभी लोग प्रीवियस चैप्टर्स को देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स को अगर आप देखेंगे तभी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा चैप्टर सिक्स हमने कवर किया था चैप्टर फाइव भी कवर किया था चैप्टर फोर और इसके प्रीवियस थ्री टू वन ये सभी चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं पूरी बुक पीडीएफ के तौर पर अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िए लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा समेराइज और थोड़े से इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेन पॉइंट्स हैं तो ये सभी वीडियोस देखिए इनमें आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के बारे में भी आप लोग जानते हैं पोइट्री शॉर्ट स्टोरी प्ले नोवेल एसे हिस्ट्री इन सभी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट लिस्ट हैं ये सभी टॉपिक्स देखिए रिलेटेड एमसीक्यूज भी दिए गए हैं और बाद में डिटेल लेवल पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी लेकिन वो तभी बेनिफिशियल होगा जबकि आप ये पूरी प्ले देख चुके हों वन वन जीरो यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं टॉपिक नंबर वन 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 से आज शुरुआत करेंगे मिडिल इंग्लिश एज ए पीरियड ऑफ ग्रेट चेंज मिडिल इंग्लिश के टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए थे मोमेंटस चेंज इन इंग्लिश लैंग्वेज चेंजेस मोर एक्सटेंसिव एंड फंडामेंटल देन दोस दैट हैव टेकन प्लेस एट एनी टाइम बिफोर सिंस आज तक इतने चेंजेस कभी नहीं आए थे जितने अब आए सम ऑफ देम समेम द रिजल्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं वीडियो नंबर सिक्स में एंड कंडीशंस व्हिच फॉलोड इन द वे ऑफ दैट इवेंट

पॉनिटिक लेवल पर इन्फ्लेशन जो थे ए यू ई एन आम ये सब यूज किए जाते थे इनकी जगह ए की इन्फ्लेशन रह गया दैट इज ए नाउन में देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए अंटिल दर्टीन सेंचुरी प्लूरल एंजॉय ग्रेट फेवर जैसे ऑक्स का प्लूरल होता है ना ऑक्सन ऐसा बहुत पॉपुलर था बहुत कम वर्ड्स में ऐसा पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था लेकिन धीरे धीरे ये चेंज हो गया और कम हो गया ई e एन का यूज बाय ट्वेल्व हंड्रेड एस उथलैंड है तो होता हैीजिए लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज लेवल पर डिक्लेंशन इज द चेंजिंग ऑफ द वर्ड एक वर्ड की फॉर्म जब चेंज हो जाती है जनरली टू एक्सप्रेस इट सिंटेटिक फंक्शन इन देंटेंस बाय वे ऑफ सम इनफ्लेक्शन एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी फॉर्म ऑफ वर्ड चेंज इन लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू केस एंड जेंडर ऑफ जेंडर के हिसाब से वर्ड कोई किस तरीके से चेंज होता है जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन काफी अच्छा एग्जाम्पल है ट्री अब हम किसी मेल के लिए किसी बॉय के लिए किसी मैन के लिए ही वर्ड यूज करें ही क्लाइम्स द ट्री बट एक ही जगह और इस ही को हम हिम में बदल रहे द ट्री प्रोटेक्ट यहां पर हम ही नहीं लिखते यहां पर हम हिम लिखते हैं तो ये है एक तरीके का चेंज दिस इज इंग्लिश स्पीकर्स इंस्टिंक्टिवली नो दैट द ट्री प्रोटेक्ट ही इज रॉन्ग तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ट्री प्रोडेक्ट ही कंप्लीटली रॉन्ग है और ही जब हिम में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज वन टाइप ऑफ डिकलेंशन ओल्ड इंग्लिश में एडजेक्टिव्स बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे मिडिल इंग्लिश में ऑलमोस्ट ऐसे हो गए जैसे हम आज यूज किया करते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रांगेस्ट ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट ऑल दो थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग अभी भी चेंज है हम गुड बेटर बेस्ट लिखते हैं दे यूज टू राइट गुड बेट बेस्ट मच मोर मेस्ट लेट लेस लेस्टे Many more, most लिखते हैं ना हम इसकी जगह जगह आज और की लेट, लेस, लेस्ट ये किए जाते थे लेकिन ओल्ड इंग्लिश के कंपैरेटिवली बहुत सिंपल थे अभी भी प्रनाउंस में भी काफी चेंजेस थे मिडिल इंग्लिश पर्सनल प्रोनाउन्स वो मोस्टली डेवलप फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश विद एक्सेप्शन ऑफ थर्ड पर्सन प्लूर

वर्ब में भी काफी चेंजेस थे जैसे कि फर्स्ट पर्सन के साथ ई e लग जाता था आई हियर बोलते हैं हम इच आई के लिए यूज किया जाता था जो इच हेरे हो जाता था दाऊ के साथ यानी कि यू के साथ ई एस टी लग जाता था एन में दाऊ स्पीकेस्ट एंड थर्ड पर्सन के साथ ई पी लग जाता था ही कॉमेड उसी तरीके से मिडल इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग वर्ब्स काफी स्ट्रांग हो गई थी काफी न्यूमरस हो गई थी ए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हेल्प का हेल्प का पास्ट टेंस उस वक्त हुआ करता था हॉल्प और पास्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता था आई सैन ये तो आजकल भी यूज़ किया जाता है दाओ के साथ सोंगे यूज़ किया जाता था और ही शी इट के साथ सैन ही यूज़ किया जाता था फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ ई एन यूज़ किया जाता था तो ये छोटे छोटे चेंजेस थे जो कि मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड में यूज होते थे आजकल नहीं होते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब क्या होती है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं जिनके साउंड में कंप्लीटली चेंज आ जाता है व्हेन वी मेक इट सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जैसे कि स्विम का स्वम बन जाता है ड्रिंक का ड्रैंक बन जाता है वियर का वोर बन जाता है स्पेलिंग में चेंजेस आते हैं और वीक वर्ब्स होती हैं जिनमें हम ई डी लगाते हैं या टी लगाते हैं बाकी स्पेलिंग चेंज रहती है वॉक बिकम्स वॉक स्माइल बिकम्स स्माइल्ड जस्ट एडेड ई डी डील बिकम्स डेल्ट जस्ट एडेड तो so, so, बहुत सारी ऐसी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स थी जो खत्म हो गई थी धीरे धीरे 90 के अप्रोक्सीमेटली 1150 के बाद कोई ट्रेस नहीं है अप्रोक्सीमेटली 90 स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स ऐसी थी जो कि वीक बन चुकी थी

कई वर्ब्स की वीक हो गई लेकिन पार्टिसिपल फॉर्म स्ट्रॉन्ग बनी रही दैट इज थर्ड फॉर्म यू कैन से जैसे कि सोलन जैसे हम कहते हैं ना सोलन फीट तो सोलन शेवन ये वर्ड्स आप देखते होंगे कि आज भी यूज किए जाते हैं लेकिन सेकेंड फॉर्म में चेंजेस आए थे थर्ड फॉर्म बहुत ही टेनेशियस यानी कि बहुत ही स्ट्रांग थी बहुत सारी वर्ब्स की कुछ वर्ब्स ऐसी थी जो कि स्ट्रांग बनी रही कोई चेंज नहीं आए When we, uh, when we subtract the verbs that have been lost completely and the 81 that have become weak, there remain just 68 of the Old English strong verbs in the language today or example hai, bear and swear. Middle English may, gender system may be changes I, One element of this process was the change in the functions of words like that and the उस टाइम पर डिफरेंट स्पेलिंग्स थी इनकी प्रीवियसली दीज हार्ड बी नॉन न्यूटर नॉन न्यूटर मतलब मेल्स के लिए अलग तरीके से यूज किया जाता था और फीमेल्स के लिए अलग तरीके से आज आ, आजकल तो हम द मैन द विमेन द बॉय द गर्ल ऐसे ही बोलते हैं लेकिन पहले इन वर्ड्स को अलग फॉर्मेट में यूज किया जाता था ओल्ड इंग्लिश के टाइम पीरियड में अगर फीमेल के साथ यूज करना है तो डिफरेंट वर्ड होगा और मेल्स के साथ तो अलग लेकिन उसके बाद ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या फिर जितने भी आर्टिकल्स हैं इनको जेंडर न्यूट्रल फॉर्म में यूज किया जाने लगा लिखने का तरीका भी अलग हो गया द रियलिटी ऑफ मिडल इंग्लिश एज अ सेपरेट स्टेज ऑफ द लैंग्वेज ग्रामेटिकली एज वेल एज फोनोलॉजिकली एंड लेक्सिकली ग्रामेटिकलीवल की ग्रामर लेवल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड दिस इन डेट साउंड सिस्टम और किस तरीके से हम लैंग्वेज को लिखते हैं कैन बी सीन इन दैटर्न ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इन एडिशन टू मॉडर्न मॉडर्न इंग्लिश ऑर्डर एस वी सब्जेक्ट वर्ब लिखते हैं ना अब हम ही कम्स वी विल राइट ही कम्स बट ओल्ड इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आजकल की तरह फॉलो नहीं किया जाता था इट वॉज वर्ब सब्जेक्ट कम्स ही इस तरीके से भी यूज किया जाता था और बाद में पोइटिक लेवल पर इसको इस तरीके की लैंग्वेज को पोइटिक लिबर्टी कहा जाने लगा फ्रेंच इंफ्लुएंस तो इंग्लिश लैंग्वेज पर आया ही वो हम पढ़ चुके हैं वो में क्या क्या चेंजेस आए लेटेस्ट सी वेन वी स्टडी द फ्रेंच वर्ड्स अपियरिंग इन इंग्लिश बिफोर ट्वेल्व फिफ्टी roughly 900 in numbers we find that many of them were such as the the lower class would become familiar with with through contact with the French speaking nobility like Baron, noble इन servant, messenger, फाइंड minstrel, juggler, दी तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स थे जो कि धीरे धीरे वो में आने लगे फ्रेंच इन्फ्लुएंस नजर आने लगा अब नॉर्मल लैंग्वेज में आएगा तो गवर्नमेंट ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में भी नजर आएगा फ्रेंच इंफ्लुएंस देखिए कैसे वर्ड्स लैंग्वेज uh, में आ गए धीरे धीरे जो कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड वर्ड्स थे एम्पायर रियल रेन रॉयल पेरोगेटिव अथॉरिटी सॉवेर मजेस्टिस स्केप्टर टायरेंट यूसर्प ऑप्रेस कोर्ट काउंसिल पार्लियामेंट असेंबली स्टैट्यूट ट्रीटी अलायंस रिकॉर्ड रिपील जर्न टैक्स सब्सिडी रेवेन्यू टॉली एक्सचेक किस तरीके के कितने कितने वर्ड्स आए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन हम अभी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स को कैटेगराइज कर रहे हैं कॉमन लोगों पर भी इंपैक्ट आया गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पर भी इंपैक्ट आया तो सी एसटीकल यानी कि रिलीजियस मैटर्स में कैसे इंपैक्ट नहीं आता कुछ मेजर वर्ड्स में पढ़ देती हूँ यहाँ पर समन प्रेर क्लोजी क्लर्क कार्डिनल डीन इस तरीके के वर्ड्स थे जो कि फ्रेंच इंपैक्टेड थे फ्रेंच से कुछ वर्ड्स को लॉ में भी अडॉप्ट किया गया जैसे कि Crime in place of sin, guilt in place of undeed, and these kind of works do show that we have adopted the terminology of French law. Army or navy may be impacted, Annahi. The large part that war played in English affairs in Middle English, the fact that the control of the army and navy was in the hands of those who spoke French. The words take, कॉम्बैट बैटल सीज डिफेंस गैरिसन गार्ड स्पाई कितने ऐसे वर्ड्स हैं सोल्जर जो कि फ्रेंच से लिए गए हैं देखिए अब कॉमन लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आ गया गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इम्पैक्ट आ गया है रिलीजन में इम्पैक्ट आ गया है आर्मी में इम्पैक्ट आ गया है अब कहाँ बचा है इम्पैक्ट थोड़े हाई प्रोफाइल लोगों की लाइफ में जिनके लिए फैशन मील और सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है गाउन हैबिट केप क्लोक कोट फ्रॉक कॉलर वेल कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं लग्जूरियस वर्ड्स भी जैसे कि साटन फोर इस तरीके के वर्ड्स धीरे धीरे वोकेबलरी में फ्रेंच लैंग्वेज से आने लगे मेडिसिन और इंडस्ट्री फील्ड में भी ये वर्ड्स आ गए थे जैसे कि ब्यूटी कॉलर फिगर इमेज चिमनी सेलर जॉइस्ट लिंटल लैच लेटेस मैंशन तो आर्किटेक्चर बिल्डिंग हर तरीके से हर स्क्वेयर में फ्रेंच वर्ड अब नजर आ रहे थे ब्रेथ ऑफ द फ्रेंच इंफ्लुएंस इन द नाउन वी में कंसीडर द रेंज ऑफ द आइडियाज इन द फॉलोइंग लिस्ट मेड अप ऑफ वर्ड्स दैट वो ऑलरेडी इन इंग्लिश बाय थर्टीन हंड्रेड एक्शन एडवेंचर अफेक्शन एज एयर बकेट बुशेल कैलेंडर कारपेंटर सिटी कोस्ट कंफर्ट कॉस्ट कंट्री कारेज कर्टसी कितने सारे ऐसे वर्ड्स थे जो कि धीरे धीरे अब नॉर्मल लोगों की लैंग्वेज का हिस्सा बनते जा रहे थे सभी की सोशल लाइफ का पार्ट बनते जा रहे थे नेक्स्ट चैप्टर एंग्लो नॉर्मन एंड सेंट्रल फ्रेंच नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली It will be observed that the French words introduced into English as a result of Norman conquest, French words, French influence, French culture often present an appearance quite different from that which they have in modern French. We may recognize charge, change, chamber, chase, chair, chimney, just, jewel, journey, majesty, gentle, and many other words as early borrowings, while such words as मियोसर शिफॉन शेवेन जेबॉट रफ एंड दाइक शो बाय देर प्रोनाउंसिएशन दैट दे है लैंग्वेजल लेट तो कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो कि बहुत जल्दी आ गए थे इंग्लिश कल्चर में कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो कि लेटर पार्ट ऑफ देंचुरी में एंटर हुए थे हर लैंग्वेज में न कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको माना जाता है कि ये तो राइटर्स के लिए बने हुए वर्ड्स हैं और कॉमन लैंग्वेज में यूज नहीं होते ऐसे ही कुछ वर्ड्स थे कुछ बोरोइंग्स थी फ्रेंच लैंग्वेज की जो कि लिटरेचर के थ्रू लोगों तक पहुंची जैसे कि इमेंसिटी, एपिलेशन स्पेसिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन, सामचुअस तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं चैप्टर सेवन बहुत ही बड़ा है टोटल 150 के आसपास हैं 133 टॉपिक नंबर 133 से पीरियड ऑफ ग्रेट इंफ्लुएंस यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर रेगुलर एनसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है चैप्टर सेवन पार्ट टू के लिए जल्द ही मिलेंगे हम लोग और यू कैन सी की वेरी रेगुलरली बेसिस अपलोडेड और सबसे जरूरी चीज़ नोट मेकिंग करते रहिए नोट मेकिंग अगर बेनिफिशियल होने वाली है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी ना मेरे लिए ना किसी और के लिए आप अपने लिए करेंगे राइट नोट मेकिंग इस तरीके से करिए कि आप उसे बहुत ही अच्छे से रेफर कर पाए फॉर योर फाइनल रिविजन हाईलाइटर्स यूज कीजिए मार्कर्स यूज कीजिए जितना कर सकते हैं अपनी नोट मेकिंग को एक तरीके से अपनी एक एसेट बना कर रखिए इतने अच्छे से प्रिपेयर करिए अपनी नोट मेकिंग को नोट्स को कि आपको जरूरत ही ना पड़े कुछ और रेफर करने की एटलीस्ट लास्ट के एक हफ्ते में एक वीक में तो अ ग्रेट गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड आई कैन जस्ट प्रोवाइड यू द रिसोर्स अल्टीमेटली पढ़ना आप ही लोगों को है और उसके लिए मैं आपको अपनी बहुत सारी विशेज और जो हर वीडियो में इंस्ट्रक्शन देती रहती हूँ वो दे सकती हूँ नथिंग मोर देन दैट सो लेट अस सी ईच अदर इन चैप्टर सेवन पार्ट टू